उत्तरी कोरिया ने 48 घंटे के अंदर ही दोबारा से मिसाइल का परीक्षण किया है। उसने अपने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। आपको बता दें कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक रणनीतिक साझेदारी के तहत संयुक्त हवाई अभ्यास किया था, जिसके एक दिन बाद ही नॉर्थ कोरिया ने फिर से मिसाइल टेस्ट किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के दो दिन बाद ही उत्तर ने ये टेस्ट किया है। दक्षिण कोरिया के एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया की राजधानी के ठीक उत्तर में एक पश्चिमी तटीय शहर से दो मिसाइल टेस्ट का पता लगाया गया है। साथ ही उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने एक बयान जारी कर हथियारों के प्रदर्शन को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका खुले तौर पर कोरिया प्रायद्वीप में अपने सैन्य बढ़त और वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।